हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी सही सलामत होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की, राइट? प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलरली नाइन्थ और टेंथ में एक एक चैप्टर है, एक छोटा सा चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी को लेकर, तो उसी के बारे में बात करेंगे और जो बेसिक्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो उनके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी और हम कैसे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी को, राइट? सो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली ये डेवलप हुआ एज अ पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन स्टार्ट किया ये गैम्बलिंग से, राइट? सो गैम्बलिंग से ये शुरू हुआ प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि कई सारे ऐसे मैथमेटिशियंस थे पहले टाइम में, गैम्बलिंग अक्सर हुआ करती थी, आज भी तो हो ही रही है। तो उस टाइम पे गैम्बलिंग, जब वो बार बार हार रहे थे तो वो इसके पीछे लग गए कि भाई हम क्यों हार रहे हैं और कैसे हम जीत पाएंगे, किस पैटर्न पे जीत पाएंगे, तो इसीलिए स्टार्ट जो हुआ बेसिकली ये गैम्बलिंग को लेकर हुआ। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी जो है इसने एक मेन पोर्शन है, ये मैथमेटिक्स का एक मेन पार्ट है मैथमेटिक्स का, और इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, राइट? चांसेस। सो ये जो चांसेस हैं, इंग्लिश का वर्ड चांसेस, ये हमारी लाइफ में हर रोज आता है, हर बार आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां की बात करूं तो बादल आ चुके हैं, तो क्या चांसेस हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, राइट? सिमिलरली मैच खेल रहे हैं हम, टॉस कर रहे हैं, जीतने के हेड या टेल आने के कितने चांसेस हैं, एग्जाम दे रहे हैं पास या फेल होने के कितने चांसेस हैं, कोविड अभी चल रहा है तो वैक्सीनेशन टीका लगने के और न लगने के कितने चांसेस हैं। तो ये चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, ये आजकल हर एक जगह पे यूज होती है, बहुत ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन है इसकी। तो एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं मैं, पहले आपको डिफाइन करके दे दूंगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस किन्हें हम कहते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें डील करना होगा ऐसी सिचुएशंस के साथ जहां पर हम देखेंगे कि कितने चांसेस हैं किसी भी चीज के होने के, किसी भी आउटकम, किसी भी रिजल्ट के आने के कितने चांसेस हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट? ओके। सो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा कि हम बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, नाइन टेंथ वाली, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होता है एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, सो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब यह होता है कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कहा बादल आ गए हैं, अब बारिश होगी या नहीं, तो मैं बादलों की बात कर रहा हूं या बारिश की बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट बारिश होगा। या मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, हेड या टेल आ जाए, ठीक, तो वो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन जो होगा वो मेरे पास एक्सपेरिमेंट होगा। सिमिलरली हम मैच खेल रहे हैं, हम जीतेंगे कि हारेंगे, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं इवेंट अंडर ऑब्जर्वेशन। सो इवेंट अंडर ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। सो इट कैन बी टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन, या रोलिंग ऑफ डाई, रोलिंग ऑफ डाइस, सांप सीढ़ी वाला जो क्यूब होता है हमारे पास, जिसपे या तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है या डॉट्स बनाए होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उसे डाइस कहते हैं। तो उसका रोल कर लेना, यानी डाइस को फेंक देना, ठीक, तो इन्हें हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो नाइन्थ और टेंथ में मोस्टली इन्हीं दो चीजों के बारे में बात हुई है, और कार्ड्स के बारे में बात हुई है, वो भी मैं बता दूंगा। तो एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया इवेंट अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक, तो उस इवेंट के कई सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने बादलों की ही बात की, तो बादल तो आ गए, अब बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, चांसेस है, राइट? सांप सीढ़ी में जब हम रोल डाइस करते हैं, डाइस रोल करते हैं, तो वहां पर हमारे पास 6 में से कोई भी ऑप्शन आने के तरीके हैं। तो जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, सैंपल स्पेस होता है टोटल रिजल्ट्स, या मैं आउटकम्स भी लिख सकता हूं, आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। तो कोई भी इवेंट अगर हम कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। जैसे कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन के लिए मेरे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 होगा, क्यों, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है,
राइट। सिमिलरली अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस के लिए मेरे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 6, वो आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या डॉट्स बने होंगे, तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो सैंपल स्पेस मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी एक इवेंट के होते हैं उन्हें हम सैंपल स्पेस कहते हैं और उसे एस से डिनोट करते हैं, राइट। ओके, यहां पर आप एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, बहुत ही अच्छी है ये, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी इसके बारे में बात की थी परम्यूटेशंस को लेकर, तो यहां पर फिर मैं बताना चाहूंगा। अब फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन टॉस की तो सैंपल स्पेस आया हेड और टेल, यानी दो सैंपल स्पेस आया। व्हाट वुड हैपन अगर मैं दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं, दो कॉइन्स को अगर मैं साइमल्टेनियसली टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शन कितने आएंगे? यस, कितने आ सकते हैं? ओके, मेरे पास आएंगे टोटल सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 4। ठीक, अब मैं यहां पर बता दूं, पॉसिबिलिटी है कि पहली कॉइन पे हेड आए दूसरी कॉइन पे भी हेड ही आए, या ऐसा हो सकता है पहली कॉइन पे हेड आए दूसरी कॉइन पे टेल आ सकता है। सिमिलरली अगर पहली कॉइन पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे टेल आने के चांसेस हैं, या अगर पहली कॉइन पे टेल आ रहा है तो दूसरी कॉइन पे हेड आने के चांसेस हैं। और प्रोबेबिलिटी में खास ध्यान रखें कि एच टी और टी एच ये सेम नहीं होते हैं, ये अलग अलग रिजल्ट होते हैं। ठीक, तो कहना यह है कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स होती है तो मेरे पास एक कॉइन के लिए सैंपल स्पेस कितना था? 2। तो जितनी कॉइन्स होंगी सैंपल स्पेस उतने का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। दो कॉइन्स कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अगर मैं 3 कॉइन्स ले लूं तो सैंपल स्पेस कितना होगा? राइट, 1 के लिए 2, अब 2 पे पावर आएगा 3 क्योंकि मैं 3 कॉइन्स की बात कर रहा हूं, तो सैंपल स्पेस हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली डाई के लिए कितना होगा? एक डाइस के लिए अगर एक डाइस था तो हमारा सैंपल स्पेस है 6। अगर दो डाई होंगे, प्लूरल होता है डाई, डाई, ठीक, तो अगर दो डाई होंगे तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। और इस बेसिस पे 10th क्लास में सेकंड एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है और वो आपको 36 कौन से आ रहे हैं रिजल्ट्स, वो आपको वहां दिखाई भी दिए भी हुए हैं। ठीक, सो सिमिलरली अगर तीन डाई होंगे तो 6 पे क्यूब आ जाएगा, दैट इज 260। समझ में आ गया? सैंपल स्पेस समझ आ गया? ओके, सो अब सैंपल स्पेस के बाद हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास होता है यूजुअली ये वो वाला रिजल्ट, वो वाला आउटकम होगा जो हमें चाहिए, जिसकी डिमांड क्वेश्चन कर रहा है, जो हमारा फेवरेट होगा उसे हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट। सो फेवरेबल इवेंट की अगर हम बात करते हैं, इसे हम डिनोट ई से करते हैं, ठीक, ई से हम डिनोट करते हैं, तो ये वो वाले रिजल्ट्स हो गए जो हम चाहते हैं या जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो मैं सिंपल में लिखूंगा रिजल्ट्स डिमांडेड बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहेगा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आप बताओ जी हेड आने के कितने चांसेस है, तो फेवरेट हेड हो गया। अगर वो कहेगा टेल आने के चांसेस कितने हैं तो टेल फेवरेट हो गया, राइट। तो किसी का फेवरेट किसी दूसरे के लिए अनफेवरेबल हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं कॉइन टॉस करके मैंने हेड मांग लिया तो मेरे लिए फेवरेट हेड हो गया, लेकिन आपके लिए फेवरेट टेल हो गया। इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिखा कि जो रिजल्ट क्वेश्चन हमें डिमांड करेगा वही हमारा फेवरेबल इवेंट होगा और उसे हम ई कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब अनफेवरेबल क्या होगा? अनफेवरेबल, सो अनफेवरेबल इवेंट इसे हम ई नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक, ई के ऊपर एक बार सा डाल के ई नॉट कहते हैं हम इसको। और ये होता है वो वाला रिजल्ट जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यानी रिजल्ट नॉट रिक्वायर्ड या Asked by question, asked in question, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया हो उसे हम अनफेवरेबल कहते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है और फेवरेबल और अनफेवरेबल इवेंट क्या होता है। अब देख लीजिए, अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट होता है ई, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस।
राइट। तो थोड़ा मैं यहां पर लिखूंगा, ये हो गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और नाइन्थ में और टेंथ में यही फॉर्मूला मैक्सिमम यूज होता है, और एक फॉर्मूला यूज होता है वो भी मैं बता दूंगा, राइट। सो आपको समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम और एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर्स, वो वाला इवेंट कितनी बार आ सकता है या उसके चांसेस कितने हैं, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है। चलो इसको लेकर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो कॉइन के लिए सैंपल स्पेस कितना है, टू, क्या क्या, एक हेड और एक टेल। अब सपोज मेरा फेवरेट जो है वो है हेड, तो मेरा अनफेवरेबल इवेंट कौन सा हो गया, टेल। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूं हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो देखिए हेड कितनी बार है, एक बार, ये वाला, तो वन, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस कितना है टोटल, टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज वन बाय टू। सिमिलरली अगर हम टेल की भी बात करें, टेल कितनी बार है, एक बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी जो हमारा होगा वो होगा वन बाय टू। तो देखो हेड के भी इक्वल चांसेस 50%, टेल के भी इक्वल चांसेस 50%। तो इसीलिए एक क्वेश्चन है टेंथ में कि हम क्यों मैच से पहले कॉइन टॉस कराते हैं, इसीलिए कराते हैं सो दैट बोथ टीम्स को इक्वल चांसेस मिल जाए कि वो क्या चीज डिसाइड करेंगे। अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो कौन बैटिंग करना चाहेगा, फील्डिंग करना चाहेगा, वो इस बेस पे होगा। सो दैट इन्हें हम कहते हैं अनबायास्ड, इसमें कोई लालच नहीं होती है, इसमें कोई भी चीज यानी ऐसा नहीं किया होता है कि एक पर्टिकुलर साइड को या एक पर्टिकुलर रिजल्ट को हम फेवर करें, ठीक है। तो ये अनबायास्ड होता है, इसीलिए हम कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो समझ में आ गया ये चीज, कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब हम इसी चीज को लेकर कुछ क्वेश्चन करेंगे सो दैट हमें जल्दी जल्दी में समझ आ जाए। ओके, सो कॉइन की हमने बात की, तो कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 बाय टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1 बाय टू। अब अगर मैं बात करता हूं से डाइस की, मैंने एक डाइस रोल किया, तो जब मैं डाइस को रोल करूंगा मेरे पास सैंपल स्पेस 6 आ जाएगा, राइट। और क्या होगा, यहां दिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब अगर मैं कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए आप वन आने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन, ठीक। तो राइट, वन कितनी बार है, एक बार, 1/6। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू क्या है, तो यहां बच्चे ये कंफ्यूजन करते हैं, वो देखते हैं टू है तो वो लिखते हैं 2/6, नहीं, हमें देखना है कितनी बार है ये चीज, तो टू कितनी बार है, इसमें टू एक ही बार है, सिमिलरली 3 एक ही बार है, हमें नंबर के साथ लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ देखना होता है उसका ओकरेंस कितनी बार है, यानी वो कितनी बार आ रहा है सैंपल स्पेस में। तो जैसे 2 एक ही बार आ रहा है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी होगा 1/6, राइट। सिमिलरली सबका प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी होगा 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी होगा 1/6, क्योंकि सब एक एक ही बार है। समझ आ गई ये बात, ओके। अब यहां पर मैं वापस आता हूं, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एच है फेवरेबल, तो ई है फेवरेबल और टी है अनफेवरेबल, तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, मैं पी ऑफ फेवरेबल इवेंट प्लस पी ऑफ अनफेवरेबल इवेंट ऐड कर रहा हूं, तो मुझे कितना रिजल्ट आएगा, 1/2 और 1/2, यानी आधा और आधा, कितना हुआ, 1। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट विल कम टू 1, हमेशा। अगर आप इनका भी देख लोगे, देखिए अगर हम इन सबको ऐड करेंगे 1/6, 1/6, 6 बार है 1/6, तो 1/6 6 बार ऐड करने में, मल्टीप्लाई 6 से करता हूं तो आंसर फिर से 1 आ गया, राइट। तो इस बेस पे आपका एक क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.95, फाइंड पी ऑफ ई नॉट। टेंथ में एक क्वेश्चन है, नाइन्थ में भी एक क्वेश्चन है ये। सो आपको दिया है पी ऑफ ई इज 0.95,
आपको पी ऑफ ई नॉट फाइंड करना है इज इक्वल टू वन, तो ये वहां चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू वन माइनस 0.95. अब प्रॉब्लम ये है कि कई सारे बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता डेसिमल्स का. सो प्लीज इस चीज पे ध्यान दे. तो यहां पर हमें पता है आंसर होगा 0.05, राइट. आई होप बस इन दो फॉर्मूलाज के बेस पे पूरी प्रोबेबिलिटी है आपकी, ठीक है. अब मैं कुछ और पॉइंट्स यहां पर रिपीट करा दूंगा. सो हमारे पास अब दो चीजों का ख्याल रखना है. एक कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं टेंथ तक वो अनबायास्ड होते हैं. सो अनबायास्ड मींस नो इंटरफेरेंस, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की होगी. यानी मतलब यह है कि यह शोले वाली मूवी का सिक्का नहीं होगा जिसमें हर बार हेड आएगा, राइट. तो यहां पर अनबायास्ड का मतलब होता है कि हमने कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की. आपने देखा होगा यूजुअली जो स्ट्रीट गैम्बलिंग होती है, ठीक, स्ट्रीट गैम्बलिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि चाहे आप यही सांप सीढ़ी वाला वो खेल रहे होंगे या आप कार्ड्स के साथ खेल रहे होंगे, तो उन्होंने उसमें कुछ इंटरफेरेंस किया होता है जिसकी वजह से जो खेलने वाला होता है यानी कस्टमर जो होता है उस वो पहले कुछ गेम्स में तो जीत जाता है एंड ही बिकम्स हैप्पी, और उसके बाद वो उसे बाद में पूरा लूट लेते हैं, हरा देते हैं, क्योंकि वो बायस्ड होता है, उसमें उन्होंने ऑलरेडी हेरा फेरी करके रखी होती है. लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल लिटरेचर के हिसाब से, तो टेंथ तक हमें अनबायस्ड होगा यानी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, बराबर डाइस इक्वल होगा, सेम होगा, हर साइड से कोई छेड़खानी नहीं होगी, कॉइन हमारी हर साइड में उसका वेट, उसके डाइमेंशंस, उसका शाइन हर साइड से ठीक होगा, राइट. तो उसे हम अनबायस्ड कहते हैं. एक और होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो कई जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं एक इवेंट के, तो वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, राइट. तो नो इन्फ्लुएंस ऑफ वन आउटकम ऑन अदर आउटकम. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी बिल्कुल जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, उन्हें किसी आपस में कोई लेना देना नहीं होगा. समझ में आ रहा है, इसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ओके, एक दो पॉइंट्स और हैं. अब हम बात करेंगे कि जो आप प्रोबेबिलिटी हमारी होती है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों ने घर में एक जार खोल दिया, उस जार में आपने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जार में, तो आपने वो जार खोल दिया. मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जी इस जार में कितने चांसेस हैं कि वहां से हमें मैंगो शेक मिले, हैं कुछ चांस? नहीं. क्यों? क्योंकि जार में तो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो वहां से मैंगो शेक निकलने के चांसेस ही नहीं है. या सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ जलेबी में नमक होने के कितने चांसेस है, तो जलेबी एक स्वीट है, उसमें नमक होगा ही नहीं, राइट. सो ऐसे इवेंट्स जिनमें हमें पता होता है, हम श्योर होते हैं कि भाई ये रिजल्ट मिलने ही वाला नहीं है, ये रिजल्ट मिलने ही वाला नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. या फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास लेमन कैंडीज है, ये क्वेश्चन भी है टेंथ में, एक लेमन कैंडीज का जार है मेरे पास, मैं उसमें हार डाल रहा हूं बिना देखे और मैं वहां से एक टॉफी निकाल रहा हूं, एक कैंडी निकाल रहा हूं, आप बताओ जी उस कैंडी के कितने चांसेस हैं कि वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी. हमारे पास कैंडीज कौन सी थी? लेमन की. तो वहां से ऑरेंज निकलेगा? नहीं निकलेगा. तो इसीलिए उनको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है जीरो, या आप इसे कह सकते हैं 0%. समझ आ गई बात. सिमिलरली हमारे पास एक और इवेंट होता है, उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट. तो श्योर इवेंट का मतलब नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यानी 100% चांसेस हैं कि ये होना ही होना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आज कितने चांसेस हैं कि रात आएगी, 100% चांसेस है क्योंकि रात तो आनी ही आनी है. अगर हम कहेंगे कितने चांसेस हैं कि रात के बाद सुबह सूरज निकलेगा, सो 100% चांसेस है कि सन विल राइज,
ठीक, या आपसे मैं यही पूछता हूं कि जलेबी में शुगर मिलने के कितने चांसेस हैं, तो 100% चांसेस है क्योंकि वो स्वीट है। तो ऐसा इवेंट जो हमें श्योर होगा, जिसमें हमें पता होगा कि हाँ यही चीज निकलेगी, तो उसको श्योर इवेंट कहते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और 1 का मतलब होता है 100%। तो यहां पर ये समझना जरूरी है हमें कि जब हम श्योर इवेंट की बात कर रहे हैं या इम्पॉसिबल इवेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, और लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। तो मतलब क्या है कहने का, ये समझ लीजिए ना। पी का मतलब है यहां पर प्रोबेबिलिटी, इसे मैं PR लिखता हूं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की जो होगी, यानी वो 0 से स्टार्ट होगी 1 पे खत्म होगी, या तो होगा ही नहीं या 100% होगा या इसके बीच में होगा। तो अगर इसके बीच में हो रहा है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या डेसिमल्स में हो सकता है, राइट, या परसेंट्स में हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, 20%, 25%, 100%, ठीक है, या रैशनल नंबर्स में होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, 2/3, 3/5, 7/9, 1/6, जो हमने देखा 1/2, तो इनमें हो सकता है। तो ध्यान रहे, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव आंसर में नहीं होगा। अगर आपको कहीं प्रोबेबिलिटी माइनस में मिल रहा है तो वो गलत है, राइट। सो गाइज, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, 9th और 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बार प्रोबेबिलिटी चैप्टर निकाल कर उसे देख लें, और उसके क्वेश्चन उसको बिल्कुल यही दो फॉर्मूलास सॉल्व करें, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस और P(E+P)≠1। तो इसी के बेस पे आपके सारे क्वेश्चन है, राइट। सो गाइज, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और इंजॉय करें मैथ्स, और प्लीज फॉलो कोविड SOPs रेगुलरली। थैंक यू।